मेरा नाम है बादशाह। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो ना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। सो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके गाइस, सो वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको अलाइट मोशन में आना है। प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है 916 के साइज में। अब यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना है। अब मीडिया पे क्लिक करने वाला आपको अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो जो भी फोल्डर में आपका फोटो है ना, सिंपली आपको यहाँ पे अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको एक फोटो ऐड करना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। शेयर का आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एच पीएनजी को सिलेक्ट करके इस पोर्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है, आपके सामने ऑप्शन आएगा सेव करके, आपको सेव पर क्लिक करना है और इस फोटो को फिर यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। एंड प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है एंड शेयर के आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज पेज में यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। फिर इसी प्रकार से आपको अपनी फोटोज़ को सेलेक्ट कर करके फोटो को क्रॉप कर देना है। तो इसी प्रकार से आपको टोटल 6 फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेना है। तो ध्यान रखना, आप 6 फोटो को ही क्रॉप करना, उससे ऊपर फोटो को क्रॉप मत करना। ओके, तो मैं यहाँ पे 6 फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेता हूँ। ओके, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप फोटो को क्रॉप कर लेना है। जैसे फोटो को क्रॉप कर लेंगे, यहाँ से बैक आके सबसे पहले बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। सो बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करने बाद नीचे आना है और यहाँ पे सबसे पहला लेयर है 8 फोटोज में लिखा हुआ है, आपको इस लेयर पर क्लिक करना है और कलर एंड फिल पर क्लिक करके इस टैग्स पर क्लिक करके ऊपर आपको अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। आपने जो फोटो को क्रॉप किया है उसमें से पहला फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पर क्लिक कर देना है। तो आपने जो भी फोटो को यहाँ पर ऐड किया, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने जो भी फोटो को ऐड किया है वही फोटो को यहाँ पे जो 3 लेयर है ना, ऊपर के दोनों लेयर में ऐड करना। ओके, तो आपने इस लेयर में जो भी फोटो को ऐड किया है वही फोटो को यहाँ पे जो 3 लेयर है इन दोनों लेयर में ऐड करना है, ऊपर के दोनों लेयर में। जो नीचे वाला लेयर है ना, उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस इस प्रकार से। ओके, तो यही फोटो को हमने ऐड किया इधर ऊपर के दोनों लेयर में, आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से। उसके बाद सिलेक्ट करके आके आना है और यहाँ पर 7 सेकेंड पर एक लेयर दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके टैक्स पे क्लिक करना है और वही सेम फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहला वाला लेयर में हमने इस फोटो को ऐड किया है, फिर इसी फोटो को यहाँ पे जो 3 लेयर है ऊपर के दोनों लेयर में ऐड किया है और फिर इसी फोटो को मैंने यहाँ पे 7 सेकंड पे जो एक लेयर है 7-8 सेकंड पे इसमें मैंने ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे जो एक लेयर बचा था इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके टैक्स पे क्लिक करना है और किसी और फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है इस प्रकार से। एंड सिलेक्ट करके अब आगे जाना है और आगे जाने के बाद यहाँ पे आपको 9 सेकंड पे, मतलब 8 सेकंड पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, 8 सेकंड पे जो लेयर है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब उन दोनों फोटो को छोड़ देना है जो अभी हमने ऐड किया है, अब किसी और फोटो को सिलेक्ट करना है, ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो आपने जो यहाँ पे जो फोटो को ऐड किया है इसी फोटो को आगे का 2 लेयर में भी ऐड कर लेना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो 3 लेयर में सेम फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना एंड जैसे डबल बिटमार्क आएगा आपको फोटो चेंज कर देना है। ओके, लेयर पे क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, टैक्स पे क्लिक करके अपना नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट करना है, ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये फोटो को 2 लेयर में ऐड करना है, उसके बाद फिर डबल बिटमार्क आ जाता है, आपको फिर से यहाँ पे फोटो चेंज कर देना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। फिर से यहाँ पे इस फोटो को, तो यहाँ पे आप जो फोटो को ऐड करोगे वो 3 लेयर में ऐड होगा, फिर आगे डबल बिट मार्क है। तो अब बस इतना ध्यान रखना कि डबल बिट मार्क के आगे आपको फोटो को चेंज करना है। ओके, और लास्ट में यहाँ पे फिर से 2 लेयर बच जाता है, तो लास्ट वाला जो आपका इमेज रहेगा वो आपको इधर के 2 लेयर में ऐड कर लेना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, उसके बाद सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है और सेकंड फेड प्रीसेट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है, ऊपर के 3 लेयर को सिलेक्ट करके इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, कॉपी 3 लेयर करना है। ओके, और यहाँ से बैक आना है, बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है और सिंपली इस वाले आइकन पे क्लिक करके पेस्ट 3 लेयर कर देना है। अब आपको करना क्या है, इसे जो है ना इमेज पर क्लिक करके ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है। इमेज नहीं, अभी जो हमने लेयर पेस्ट किया है इस लेयर की बात कर रहा हूँ। ओके, तो फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना
सॉरी गाइस, जो नीचे वाला है ना, इसको आपको थोड़ा सा इस प्रकार से मूवमेंट ट्रांजिशन पे क्लिक करके, इस पर क्लिक करके इसको इधर खींच देना, इससे इसको जूम कर देना थोड़ा सा, ओके, जो सबसे नीचे वाला लेयर है उसको, तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आपको ऊपर शेयर का आइकन पे क्लिक करके अपनी वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।